वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग हेमानी जिस ब्लॉग में आपका बहुत सारा स्वागत। और हम सब बोलेंगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और सुबह हमारी हो रही है 9:30 बजे। मसाई जी ऑफिस जा चुके हैं और आज मैंने सुबह से शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि ना सुबह से उठते तो लो फील हो रहा था और बहुत अजीब सा भी लग रहा था क्योंकि कल हमने बहुत लेट खाना खाया। जिस दिन हम लेट खाते उस दिन हमारे को प्रॉब्लम होती है, तो अब से हम लेट खाना खाना बंद करेंगे। तो अभी यहाँ मेरा बैग हो चुका है पैक जैसे कि आप देख रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने डुगडुगी से मिलने। और अभी कैब बुक करी है, देखते हैं कैब कितनी देर में आती है। अभी तो भैया का फ़ोन आया तो कह रहे थे 8 मिनट में आ रहा हूँ मैं। तो हम जा रहे हैं मम्मी के घर क्योंकि ना पहले मम्मी पापा आ रहे थे गाँव से तो मैं नहीं जा पाई रहने में, जाती रहती हूँ मतलब रहने के लिए मम्मी के पास। और फिर गाँव चले गए, पापा की तबीयत ख़राब हुई जब मैं रहने गई तो पापा ना रोज़ वीडियो कॉल करके रोज़ फ़ोन करके बोलते हैं तू कब आएगी तू कब आएगी। मैं कल जाना था वैसे मुझे, मैं नहीं गई तो कल भी फ़ोन करे तो आने वाली थी तो इसलिए मैं आज जा रही हूँ। बैग भी पैक कर लिया है। आप कहोगे इतने कम दिन के लिए जा रहे हो इतना छोटा बैग? वैसे मेरे वहाँ कपड़े रहते हैं मतलब पजामा टी शर्ट वगैरह रहते हैं क्योंकि और मुझे कहीं जाना नहीं होता और जाना होगा भी तो वहाँ कैसे भी कपड़े पहन के चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, ससुराल नहीं है वो मायका, वैसे ससुराल में भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है पर वहाँ कुछ भी पहन के जा सकते हैं। साईं जी भी अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं और मैं अब निकल रही हूँ, निकल रही बस कैब आ जाए मेरी, यही है। और आप सब लोग क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग कैसी है आपकी, बढ़िया है? कमेंट यार आप लोग कमेंट क्या करो। और आप देखो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप मुझे एक व्यू भी नहीं देते। बताओ एक व्यू तो दे ही सकते हो ना आप मुझे, व्यू कमेंट लाइक कुछ भी करो। आज से ये है कि आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा के जाएंगे। अगर आप जिसने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई बताओ, एटलीस्ट मेरे 1700 फॉलोअर्स हैं तो 1700 में से एटलीस्ट 500 लोग भी मेरे चैनल को व्यू नहीं देते। बताओ ऐसा क्यों भाई, क्या दुश्मनी हो गई आपकी मुझसे, नाराज़गी है कोई है, कोई नाराज़गी है क्या? प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब लाइक शेयर फॉलो करो। मैं आज ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही कह रही हूँ आप लोगों को, अब मैं इतना हंसाती हूँ आप लोगों को, मैं इतने एफर्ट्स डालती हूँ, मैं रोज़ नई चीज़ें लेके आती हूँ, ये सोचती हूँ कि आपको क्या नया दिखाऊँ जिससे आपकी लाइफ भी अच्छी जाए, मैं टिप्स दूँ आप मुझे टिप्स दो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और बस वही है, सॉरी, मतलब बहुत मुश्किल से मैंने अपना पल्ला छुड़ाया उन चीज़ों से। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद करें, मुझे लाइक करें तो जो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे भी अब बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे क्योंकि शादी है घर में, आपको बताइए, और हमारे घर खुद के घर में शादी है मतलब मेरे देवर की शादी है, तो शॉपिंग ये वो बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग आ रहे हैं अब। मतलब ये और अगला महीना तो हमारा पूरा ट्रैवल में ही जाने वाला है, तो ट्रैवलिंग ही होने वाली है, तो आप लोगों को मेरे व्लॉग इन्जॉय करने पड़ेंगे। और कैब वाले का कॉल आ गया है, चलो कॉल उठाते हैं। तो कैब वाला आ चुका है, सिपाही फौज में जाने को तैयार है। दुगा का ब्लिंकिट से जेरी हाय मंगाया था वो भी नहीं आया। और शायद उन्हें बोला कि लाइट जला के जाना। और उसकी कॉम वगैरह मंगाई थी वो भी आउट ऑफ स्टॉक है, जो घर में रखी हुई लेके जा रही हूँ। पेड़ों को पानी भी नहीं दिया है, पेड़ों को पानी भी नहीं दिया है तो वह बहुत सूखे सूखे होगा, जो छुटका आएगा ना उसको बोलना पड़ेगा पानी दे दे भाई। छुटका मीन्स सामने जो भाभी का नेफ्यू। कल आपको मेरी सौंप वाली रेसिपी कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। सौंप का शरबत बहुत अच्छा होता है वो, उसके लिए आइस के लिए, गर्मी के लिए, और बहुत अच्छा होता है वो आइस के लिए, गर्मी के लिए। चलो नीचे जाकर मिलती हूँ आप लोगों से।
मैं जा रही हूँ दोस्तों कैंप के लिए। अजीब सा हो रहा है मुझे, देख पैसे रखे नहीं रखे पता चला, बिना पैसों के पहुँच गए फिर गुसाई चढ़ेंगे, कहेंगे तुम जान कैसा करा मेरे पैसे खर्च करवाने के लिए, क्योंकि तो गुसाई जी ने मुझे कल ही मेरा खर्चा दिया है खर्चा पानी। वेदर अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फाइनली मैं अपने डुग्गा से मिलूंगी, ये डुगडुगी। चलिए चलते हैं। कैब वाले भैया कहाँ चले गए, मुड़ गया था पता नहीं कहाँ मुड़े हैं, भगवान जाने। मुझे वेट करना बहुत गंदा लगता है पता है आप लोगों को, तो मैं अपने लिए कुछ पीने के लिए ले लूँ क्या, रोटी ले लेती हूँ, वैसे मन अजीब सा हो रहा है के लिए ले लिया है। आज मुझे पॉलिथीन चाहिए। तो गाइस मैं घर से निकल गई थी और कैब में बैठ गई थी, कैब में बैठते वक्त मैंने कहा क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और ये रास्ते से मैं जा रही हूँ, और उन भैया ने किसी और को भी मेरे साथ बिठा रखा था क्योंकि उन्होंने बोला कि इसकी भी है, तो मैंने कहा ठीक है भैया चलो किसी बेचारे के पैसे बन जाएंगे तो अच्छी बात है। एक पैसेंजर मेरे साथ और था, आजकल सब ऊबर ओला जो रेपिडो सब चलाते रहे तो वो शायद ऊबर से उनकी राइड बुक हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है वो आगे बैठा था मैं पीछे बैठती, इसलिए मैं वॉइस ओवर डाल के वीडियो बना रही हूँ। और देखो जी अक्षरधाम मंदिर पहुँच चुकी हूँ और अब मेरी शक्ल दिखाई देगी आपको, गर्मी से बेहाल, एसी चलने के बाद उठी ये हाल था गाड़ी में, और जाम इतना जाम था, इतना जाम था मतलब आज का पूरा व्लॉग मेरा जाम ही जाम में जा रहा है, जाम में ही व्लॉग में, तो आप देखो जाम इन्जॉय करो। गाड़ी में बैठ के हम निकल चुके थे और आधा रास्ता तो पार भी हो गया है, अब खाई जाएंगी चॉकलेट। लोग इतने गंदे ट्रैफिक से निकल, मैं 10 बजे निकली थी घर से, 10 बजे से अभी कितना टाइम हो गया है, 12:22, कितने घंटे, 3 घंटे हो गए और अभी भी मैं गाड़ी में हूँ, अभी भी मैं नहीं पहुँची हूँ, पता नहीं क्या ही होगा घर जाके, और फिर घर जाके फिर मुझे मार्केट जाना है। झगड़ा आना एक बहुत बड़ा टास्क है जो कि हर कोई पूरा नहीं कर सकता, सिर्फ मैं पूरा कर सकती हूँ। नजरगढ़ आने की निशानी दिखाऊं, गाड़ियां देखने लगे तो समझ जाओ आप नजरगढ़ आ गए हो। कितना संघर्ष करना पड़ रहा है मुझे, जाम 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 मुबारक। थकी मुझे 3 घंटे हो चुके हैं, अब मुझे लग रहा है 9-10 घंटे और होंगे इस गाड़ी में बैठे बैठे। यार ट्रक में ना भैया फोन चला रहे हैं, जिस स्पीड से वो फोन चला रहे थे मुझे लगता है जाम अभी खुलेगा, इसलिए वो इतने तसल्ली से बैठे गाड़ी रोक के। का मतलब क्या होता है पता है, यहाँ पर आगे खाली रोड होता है, बस लोग पीछे गाड़ियों को इधर से उधर घुमा रहे होते हैं। नजरगढ़ में आना, जाम को पाना, नजरगढ़ आने का, जैसे नजरगढ़ आने की पहचान जाननी होगी ना आपको, जाम मिल जाएगा, तो वो है नजरगढ़ की पहचान। भाई 3 घंटे तो हो गए होंगे ना भैया ट्रैवल करते हुए, 4 घंटे हो गए लगा लो पूरे, आप 1:12:38 हो रहे हैं, 1 बजने ही वाला है, 10-15-20 मिनट है बस। दिमाग खराब हो गया, दिमाग की दही हो गई। तो अब मम्मी के घर पहुंच के मिलते हैं, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो डुग्गा से मिलने की हो रही है, ई मजा आएगा। मम्मी कह रही है बाहर गेट पे ही बैठी हुई है वो, जैसे उसे पता है मैं आने वाली हूँ। तो चलिए
डुग्गा के लिए आज सब डुग्गा से मिलेंगे, आप भी और मैं भी। आप लोग बोल रहे थे ना कहाँ गई डुग्गा, डुग्गा नानी के घर गई थी, अब हम नानी के घर जा रहे हैं डुग्गा को लेने। लेने नहीं जा रहे मतलब अभी तो फिलहाल उसका वहीं का टिकट कटा हुआ है, वहीं रहेगी वो। चलिए पहुँच मिलते हैं घर पहुँचने के बाद। लोग चल दिए हैं घर की ओर और गाड़ी यहाँ रखने का कारण मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि घर के पास तक क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ खनन हमेशा चालू रहता है, यहाँ खुदाई वहाँ खुदाई है, ओ खुदाई ये खुदाई खुदाई हमेशा ऑलवेज चालू रहती है यहाँ पे। हम अपना झूला लेके चल मेरा थाला, आज मैं ऐसे सामान रख के लाई हूँ बिल्कुल ओपन में, दिखाती हूँ खुदाई। ये देखो ऑलवेज खुदा रहता है यहाँ पर, वहाँ जीसीबी चल रही है, गड्ढे और गए हैं। गली में आ चुके हैं, अब यहाँ पर कुत्तों की श्रृंखला चालू हो जाएगी और डुग्गा भी। ये डुग्गा की मौसी बैठी है, डुग्गा की मौसी, आगे डुग्गा का ताऊ बैठा है, वो बैठा डुग्गा का ताऊ जी। अरे डबुड़े, ये है डुग्गा का ताऊ जी बैठा है यहाँ पे और डुग्गा गेट पे बैठी होगी, अभी देखना है। मम्मी खोल मत खोल मत खोल मत खोल मत, तुतुकी का गई दुगू की का गई थी, चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर 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 चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो, का गई थी तुम्हें, ले 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 जरा, का गई तुम्हें, पापा आ गए क्या, ये जूते बगल के पहनने को, ये देख ये देख, तुगु 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 तुगु, का है मामा का टुक टुकी, यही तो टुक टुकी है, यही तो अच्छा टुक टुकी है, यही तो अच्छा टुक टुकी है, ओ ओ अच्छा 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 अच्छा, हाँ सूंघना देखिए सूंघना, का कला था इतने दिन से यहाँ, का कला था, का कला था इतने दिन से, मामा की आ नहीं आई आपको, नहीं आई मम्मा की याद, नहीं आई थी, ये तो माना है मम्मा का बीतू, आप तो ना ना क्या कर रहा था, मजा आए थे नानी के घर में, क्या खाया था नानी के घर पे, चीजें खाई थी, इतना मोटा और खाए तुक्कू तू, ओ बिराओ ओ बिराओ बिराव छियो दांत देखियो तीन घंटे की जंदोजहद के बाद अब घर पहुंची और नींबू पानी पी रही हूं, आगे छोटी हो जा रही हूं ना मैं, बाद में पहुंची, मेरा पार्सल पहले आ गया। दुगा गुड्डे कहाँ है, गुड्डे ले आओ अपने, बैग कहाँ है मेरा, इसमें चूचू बजाने वाला लेके आना, कहाँ गई थी माना माना, अभी धूप में सागे तो सारा पानी, ये सब बोले थे कहाँ गई तुतुकी, ये देखो इधर देखो, हाय गाइस मैं तुतुकी हूँ, मेरी मामा मुझे मिलने आ गई, मैं हूँ तुतुकी, मामा का छोटू पोतू लो तुम मोतू, छोटू पोतू लो तुम मोतू, ये बेटा है मम्मा का, तो छोटा बच्चा है मम्मा का बच्चा, मुन्ना है मुन्ना, छोटा मुन्ना है मुन्ना, कैसे बैठे मनु मनु आ गई, मना मना तुतु की बुलाई है, देखो मनु के पास जाना है, गिलू के पास जाना है, गिलू के पास, गिलू के पास जाना है आपको, आपकी मम्मा हूँ मैं, मम्मा हूँ आपकी, हेलो मामा, कितनी अच्छी हो तुम,
हाय गाइस, मैं वापस आ गई हूं टूटू की नानी के घर पे। मोटा हो गया हूँ मैं, देखो कितना मोटा हो गया हूँ। ये पेट देखो मेरा, पेट गुड्डे की तरह बैठी, देखना जैसे गुड्डा होता है। भग गई आते ही हो गए हम तैयार, और जेठानी जी आई है, मुंबई वाली जेठानी जी। हेलो, पहले ही कुछ समय पहले यहाँ रहती, अब ये बड़ी गई अल्लाह अभी नमाज पढ़ने जा रही है। हाय गाइस बोलो। ये तो तुकी बाय दुगा हम जा रहे घुमा। तो गाइस हम लोग आज दिखाएंगे आपको नजरगढ़ की मार्केट। इनको देखो, फातिमा फातिमा करके कुछ नाम, हाँ नाम होता है। तो हम जा रहे हैं नजरगढ़ मार्केट। कंचा लग रही है, कंचा कौन है? तो कंचा लग रही पागली। कौन सा वाला, लाल या हरा? पीला पीला। तो यहाँ से एंट्री होती है नजरगढ़ मार्केट की। अब सिर्फ बैक कैमरा ऑन होगा। नजरगढ़ मार्केट क्या लिए, क्या लिए दे दिखा सकल अपनी। ओए दे देख क्या बेच रहा है तू। 150 और ये यहाँ से हमने लिए ये, और यहाँ पर ये ओनली 50 रुपीज़ गमछे गमछे। मुलाल हो गया। और ये है नजफगढ़ की मार्केट। तो ये है हम दोनों पागल, ऐसी रहो फोटो खींच ले। और टोपियाँ ही टोपियाँ ली हैं इन मैडम ने मार्केट। फ्लेचर देखने हैं, कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है। मैं भी ले गई हूँ भैया से 6 इंच के वो। सब लोगों के पैसे बड़े पल भी ली जा रही है। मुंह देखना, शॉपिंग करके लाए ढेर सारी। आधे डब्बे तो नीचे रखे हैं, आधे डब्बे नीचे रखे हैं। मजा आ गया, मजा। नाचीज को क्या बोलते हैं? बड़े मियाँ। और नाचीज को कहते छोटे मियाँ। हेलो, ये करने लग गया था। गर्मी बहुत हो रही है, मुंह देखो लाल हो गया पूरा। आप लोग तो मजा नहीं थे, दबाओ। सारी शॉपिंग करके आए मार्केट से। और सासू माँ के लिए जमाई ने क्या भेजा है? मम्मी गोल गप्पे, पापड़ी, दही बल्ले, टिकिया, फेमस नजफगढ़ दही बल्ले वाले से। और वो सारी शॉपिंग ना मेरी जेठानी जी की थी, क्योंकि उनके आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तो अंकल आंटी मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो अंकल आंटी आपको हैप्पी एनिवर्सरी। कल आएगा मेरा व्लॉग बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी ऑल्सो। तो मैं तो थोड़ा ही सामान लाई हूँ, जो भी लाई हूँ दिखाऊंगी आपको। पर अभी मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर के बाद मिलूंगी। आ जल्दी आ, इसको देख वहाँ से देख रही है। चाय पी रहे हम लोग 9 बजे है। मम्मी कितने बजे की चाय है? 9 बजे की चाय। और देखो डुगा को देखो है।
लेके आ गई। और यहाँ देखो एप्पल लवर, एप्पल खाना है आपको? क्या खाना है आपको? एप्पल खाना है? मम्मी सेब काट रही है। मम्मी क्या बोला तुमने, क्या होगी गुडुगा? सेब बगीचे वाली होगी। और वो खाने उस पायदान में ही जाती है हर बार। देखे की मालकिन को सेब खिलाया जा रहा है। मीठा होता है। वो मेरे को ना दांत सेब से मेरे दांत खुनी जाते हैं। सेब भी तो खाना चाहिए। मतलब ये तो सस्ते हैं। मम्मी सारा एप्पल मैं खाऊंगी हाँ। ठीक है मम्मी। देख कैसे देखी पलट के, अभी देख चुका है, चुप चुका है, खाएगा। सारा एप्पल मैं खाऊंगी हाँ। कौन खाएगा? और खाना है आपको? दुखे को और खाना हंसते हंसते बाप रे कैसे बुका रही है वो। देखो जरा, जंप 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 1 2 3 जंप। ये सेब खाने के लिए देख रहे हो? यार मेरे तो खाना खाने का भी मन नहीं है। बल्ले पापड़ी टिक्की पिक्की खा के पेट भर गया। ज्यादा नहीं लाए थे, एक प्लेट ही था। But I'm going down now. 11:12 हो गए तो पापा भी आए। तो पापा कह रहे दूसरी सब्जी खाए। तो मम्मी तुम क्या बना रही हो? मैं तो सीताफल लेके आई हूँ। अब क्या करना है? बनाना है। अब पापा के गांव में क्या करते थे मम्मी बताइए जरा। पापा के गांव में तो मतलब मेरे दादी के घर में क्या करते थे जब तुम्हारी शादी होके आई थी? क्या दादी के घर में तो जब खेत से आते थे 9 बजे और उसके बाद भी आधे दिन सो रहे, उसमें से आधे दिन काम कर रहे, कोई चक्की पीस रहा है, कोई गोबर निकाल रहा है, उसके बाद तो सोए भी नहीं, तो खाना बनाने के लिए उठते थे। फिर जो काम कर रहे होते पहले से बोर हो जाते। एक चोर आया हुआ, कभी चोरी नहीं कर पाया। तो 3 दिन दादा चुटकुले क्रैक होते रहेंगे। वहाँ जमाई करते हैं या सासू माँ है? मम्मी जब तुम्हारी नई नई शादी होके गई थी तो तुम्हें मतलब वहाँ जाकर मतलब तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था ये तो बता दो। मैं सोचती थी हम तो बचपन में शादी करते थे, हम सोचते थे ससुराल ऐसे ही होता होगा। एक बार सो एक बार उठो है। तुम वो गड्डी भी ना मैं इतने देर हमारे वहाँ के लोग खेत में से आते थे तरकोट के लोग, हम लोग वहाँ पर अपने घर एक एक नींद पूरी हो जाती है। मतलब नानी के घर में एक एक नींद पूरी हो जाती जब तक हमें दादी के यहाँ सो जाते थे। 7 बजे खा के सो जाते थे। 8 बजे कम से कम बहुत ही लेट हो जाएंगे 8 बजे। वहाँ के लोग 9 बजे तो खेत में से आते हैं। इसमें से करना तो तोड़ खोलना था मैंने अभी खोल दी। अच्छा तोड़ना है पत्ते पत्ते तोड़ना है ना? अच्छा तोड़ना है। अच्छा तो पहाड़ का जैसे लोग इधर आ गए सब सामान भी इधर आ गया, मड़ुआ इधर आ गया, ऐसे पालक इधर आ गया। हाँ मम्मी ये चलाई वही होती थी। आंडा बना आंडा रुक जा मम्मी, ये चलाई वही होती है। 8 मतलब गड्डी, ये चलाई वही है जिसके लड्डू बनते हैं। हाँ मतलब ये काला, इसके बीज काले होते हैं जो जिसके लड्डू बनते हैं, वो सफेद चौलाई होती है। और गांव में उसका पेड़ दूसरा टाइप का होता है, थोड़ा हरा हरा, उसकी डंडी भी हरी होती है। अच्छा पत्ते भी हरे होते हैं, देख लेना ढंग से, कोई कीड़े के खाए पत्ते हैं तो वो हटा दे। ठीक है नहीं है, अच्छी है चौलाई, बिल्कुल साफ भी है। ये भी चौलाई कहाँ तक झाड़ी 2 गड्डी है, ये भी देखा, ये तो चौलाई है। इधर इधर बोलो, नीचे झुक के जो हम बिन रहे थे। और ये है कदुआ, पापा की थाली, और पापा खा रहे हैं साथ में। मम्मी आ रही है सब रोटी बना के। और यहाँ देखो, ये देखो पट हो रही नीचे खीरे के, वो गिरा पट जल्दी। भाई इतना जबरदस्त खाना बना था, मजे आ गए। आपको मेरी शक्ल देख के पता तो तुक तुकी से मैं मिल गया था। मेरा टुकू मुझे बहुत पाकता है ना, टुकू कितना पाकता है, इतना छाला, कितना छाला, इतना छाला।
तो दो तो हाय दो तो तुक तुकी मेरा नाम है। आज आप लोगों से मिलके बहुत कुछ हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो दो तो मैं तू तू की हूँ। और मम्मा का ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज, नहीं तो मम्मा गुस्सा हो जाती है। मैं आज आप लोगों के लिए आया हूँ मिलने आपसे। बाय बाय दो तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो टन। और उला ऐसे चीप आ गई बात देखो दोस्तों, इतना प्यार से बोलने में दुगू का चिप्पू बाल आता है इसका। ये देखो चिप्पू, ये चिप्पू बाल आ जाता है इसका। चिप्पू आता है थोड़ा बाल तुंदुलाम, ओ तुंदुलाम। ठीक है गाइस, आज दुगा से मिलके बहुत मज़ा आया, इसकी बहुत याद आ रही थी मुझे। तो अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। इसको देखो मैं क्यूट हूँ, क्यूट बहुत क्यूट हूँ मैं, देखो मुझे देखो मैं बहुत क्यूट। नीनू आई है, नीनू आई है। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।